गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स टुडे आई विल टीच यू साइंस फॉर क्लास एर्थ लिसन वेरी केयरफुली द अर्थ एंड वर कवर्ड विथ सैंड क्ले एंड वाटर तो भूकंप ज्वालामुखी और बाढ़ से पृथ्वी पर जो जंगल थे वे जमीन पर कई बार नष्ट हुए उस पर बालू मिट्टी पानी और ड्यू टू हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर इनसाइड द अर्थ उड इन दब्सेंस ऑफ एयर वाज कन्वर्टेड इन टू कोल ड्यू टू हाई टेम्परेचर ज़्यादा टेम्परेचर पर ज़्यादा तापमान पर और दाब पर पृथ्वी के अंदर जो लकड़ियाँ थीं वह एयर के एबसेंस में हवा के अनुपस्थिति में कोयले में बदल गई द स्लो केमिकल प्रोसेस ऑफ द कन्वर्जन ऑफ इन टू कोल इज कॉल्ड कार्बोनाइजेशन कोल कंटेंस मेलनी कार्बन द स्लो केमिकल प्रोसेस ऑफ द कन्वर्जन ऑफ उड लकड़ी का धीमे धीमे रासायनिक प्रोसेस के द्वारा कोयले में परिवर्तन कार्बोनाइजेशन कहलाता है कोल कंटेंस मेलनी कार्बन कोयले में मुख्य रूप से कार्बन पाया जाता है कार्बोनाइजेशन इज ए वेरी स्लो प्रोसेस एंड मे हैव टेकन थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स टू टेक्स प्लेस कार्बोनाइजेशन बहुत स्लो प्रोसेस है और इसको पूरा होने में हजारों साल लग जाते हैं कामन वेराइटीज ऑफ कोल द वायटीज ऑफ कोल आर पीट लिगनाइट लिगनाइट को साफ्ट कोल भी कहते हैं विटोमिनस हाउस होल्ड कोल यानी घरों में इस्तेमाल किया जाने वाला कोयला एंथ्रासाइड हार्ड कोल यानी यह कोयला पत्थर जैसा होता है एकदम कड़ा होता है द गिवन ऑर्डर शोज दैट ईच स्टेप ड्यूरिंग कार्बोनाइजेशन लीड्स टू एन इंक्रीज इन कार्बन कॉन्टेंट उड से पीठ बनता है पीड से लिग्नाइट लिग्नाइट से बिटोमिनस और बिटोमिनस बनता है एंथ्रासाइट मैक्सिमम कार्बन कॉन्टेंट इज प्रेजेंट इन एंथ्रासाइड एंथ्रासाइट कोल में सबसे ज़्यादा कार्बन पाया जाता है यानी लकड़ी से लेकर एंथ्रासाइट तक कार्बन का अमाउंट धीरे धीरे बढ़ता जाता है और यह कोयला जिसमें कार्बन बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है कोल माइन्स इन इंडिया इन इंडिया कोल डिपॉजिट्स आर फाउंड इन झारखंड झरिया बोकारो छत्तीसगढ़ उड़ीसा वेस्ट बंगाल बंगाल में रानीगंज में दीज आर द कोल माइंस कोयले की खदानें यहां पर पाई जाती हैं कोल प्रोडक्ट्स या कोयला है कोल प्रोडक्ट्स वेरियस प्रोडक्ट्स अपटेन बाई प्रोसेसिंग ऑफ कोल आर द फॉलोइंग कोयले के प्रोसेसिंग से कई चीजें बनती हैं कोक वेन कोल इज हीटेड इन द दबसेंस ऑफ एयर कोकिस फार्म जब कोयले को हवा के अपसेंस में हीट किया जाता है गर्म किया जाता है तो कोयला तो कोक बनता है हीटिंग कोल इन द अपसेंस ऑफ एयर इज कॉल्ड डिस्ट्रक्टिव डिस्लेशन कोयले को एयर के अपसेंस में हीट करने के प्रोसेस को डिस्ट्रक्टिव डिस्लेशन कहते हैं इट इज ए टफ पोरस ब्लैक सब्सटेंस कोक टफ पोरस यानी थोड़ा सा उसमें बारीकी होती है ब्लैक सब्सटेंस काला होता है इट इज़ एन आलमोस्ट प्योर फार्म ऑफ कार्बन यह प्रायः कार्बन का शुद्ध रूप है इट कंटेंस 98 परसेंट कार्बन इसमें 98 कार्बन पाया जाता है इट इज यूज एज ए स्मोकलेस फ्यूल और इसको धुआं रहित ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है इट इज मेनली यूज इन द एक्सट्रैक्शन कोक इज मेनली फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ मेनी मेटल्स एंड फॉर मैन्युफैक्चरिंग स्टील यह कई मेटल्स के एक्सट्रैक्शन में और स्टील के निर्माण में इस्तेमाल की जाती है ए वेरी स्मॉल परसेंटेज ऑफ कार्बन ज मिक्सड विद द मोल्टेन आयरन टू प्रोड्यूस स्टील बहुत कम मात्रा में कार्बन को आयरन के साथ इस्तेमाल करके स्टील बनाया जाता है कोल okay. cool. गैस इट इज अपटेन ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग ऑफ कोल टू गेट कोक यह कोल के प्रोसेसिंग से इट इज अपटेन ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग ऑफ कोल टू गेट कोक कोक के दौरान कोल गैस भी प्रोड्यूस होती है इट इज़ यूज एज ए फ्यूल इन इंडस्ट्रीज सिचुएटेड नियर द कोल प्रोसेसिंग एंड फार लाइटनिंग पर्पज। यह फ्यूल इंडस्ट्री में इस्तेमाल की जाती है नियर द कोल प्रोसेसिंग एंड फार लाइटनिंग पर्पज। जलाने के लिए कोल तार इट इज ए थिक ब्लैक कलर्ड लिक्विड आप फ्राम कोल यह गाढ़ा काले कलर का लिक्विड है जो कि कोयले से प्राप्त होता है इट इज ए मिक्सचर ऑफ मोर दैन टू हंड्रेड डिफरेंट कार्बन कंपाउंड्स। कोलतार में कम से कम दो सौ से ज़्यादा कार्बन के कंपाउंड्स का यह मिश्रण होता है कोलतार इज सिपरेटेड इनटू मेनी यूजफुल केमिकल सब्सटेंसेस। कोलतार का इस्तेमाल कई यूजफुल केमिकल सब्सटेंस को बनाने में किया जाता है विच आर यूज टू मेक मेडिसिन विच आर यूज टू मेक मेडिसिन डाइस एक्सप्लोसिव पेंट्स वार्निसेस प्लास्टिक सिंथेटिक फाइबर्स एंड पेस्टिसाइड यानी कोलतार का इस्तेमाल मेडिसिन दवाई बनाने में डाइज विस्फोटक पेंट वार्निस प्लास्टिक आर्टिफिशियल फाइबर और पेस्टिसाइड कीटनाशक बनाने में इस्तेमाल किया जाता है नेफ्थलीन बाल्स यूज टू रिपल मोथ्स एंड अदर इंसेक्ट्स आर आप फ्राम कोलतार नेफ्थलीन नेफलिन बाल जिसका इस्तेमाल मोथ यानी कीड़े मकोड़ों को भगाने के लिए इस्तेमाल होता है कोलतार से ही प्राप्त होता है सम यूजफुल सम अदर यूजफुल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लाइक बेंजीन टालोवीन एंड फिनाल आर आल्सो आपटेंड फ्राम कोलतार बेंजीन टालोवीन फिनाल ये सब और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो कि कोलतार से प्राप्त होते हैं अर्लियर कोलतार वा यूज फॉर मेडलिंग द रोड पहले कोलतार का इस्तेमाल रोड को रोड के सरफेस को काला करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था दिस डेज़ ए बिटू मैन ए पेट्रोलियम प्रोडक्ट इज़ यूज इन प्लेस ऑफ कोलतार फार मेटेलिंग द रोड लेकिन अब बिटू मैन पेट्रोलीम का एक प्रोडक्ट है बिटू मैन जिसका इस्तेमाल कोलतार के स्थान पर सड़क पर गिट्टी को चिपकाने के लिए ब्लैक कलर का सरफेस जो कि गिट्टी को जकड़े रहता है के लिए इस्तेमाल होता है डियर स्टूडेंट्स यू हैव टू अंडरस्टैंड इट थैंक यू वेरी मच